सामाजिक सद्भावना मंच की ओर से आज मेलघाट के कुछ गांव में जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल, स्वेटर, इसी तरह महिलाओं को साड़ी, चप्पल आदि साहित्य का वाटप किया गया तथा प्रेम, भाईचारा, सद्भावना की बात की गई। इस अवसर पर सामाजिक सद्भावना मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राम ठाकरे, इमरान खान, डॉक्टर अनीस, डॉक्टर अम्बोल भैंसने, मंगेश मालठाने, डॉक्टर समी, आदिल शाहिद सर आदि मौजूद थे। जो जीवन है वो जीवन वो है जिसका मन पवित्र हो, और मन पवित्र होता है दूसरों से प्रेम करने से। इंसान खुद से तो प्रेम करता, हर इंसान खुद से प्रेम करता। अपन फोटो खींचो, अगर फोटो देखता है इंसान सबसे पहले खुद की फोटो देखता, हर इंसान खुद को पसंद करता। लेकिन इससे बड़ी एक चीज़ है, वो है सद्भावना, यानी दूसरे का आदर करना। तो हम यहाँ जो भावना से आए, हमारे मन में तुम्हारा आदर है कि ये जो है हमारे भाई है, ये सारे इंसान भाई भाई है। क्योंकि कुरान में जो पैगंबर साहब है, हदीस में उन्होंने फरमाया कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो इंसान बोलेंगे, भगवान तू कैसा भूखा, तू तो सबको पालने वाला है। तो बोलेंगे, तेरा शेजारी जो भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो वहाँ मेरे को पाता। मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। तो बोलेंगे, ईश्वर तू तो सबको बीमारी से शिफा देने वाला है, फ़ायदा देने वाला है, तू तेरा काम है तेरे को देखने आता। फरमाया, तेरा सेजारी, तेरा पड़ोस के गांव का आदमी, तेरा जो था, तू वो बीमार था, तूने उसका साथ नहीं दिया, उसको देखने नहीं गया, अगर तू उसको देखने जाता तो वहाँ मुझे पाता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर प्रेम भावना बढ़े। सबसे अच्छा मन वो है जिसके अंदर प्रेम हो। और क्योंकि ईश्वर ने खुद फरमाया कि सारा जो दुनिया है, जो पूरी मेरा कुटुंब है, अब जब एक कुटुंब है सब, तो अपन कौन हुए? भाई भाई हुए। सबसे बुरा मन हुआ है जिसके अंदर नफरत हो, ना हो। तो इसलिए हमको बस एक ही उद्देश्य है, हम आपस में प्रेम करें। ये जीवन तो गुजरना है ना, हमारी 60-70 साल आयु है, वो गुजरना है हमको। ईश्वर जैसे भी कम ज़्यादा खिलाता, जैसे भी, महल में सोने वाला भी सोता और झोपड़ी में सोने वाला भी सोता है ना। महल में जो रहता अंबानी भी है तो वो भी 2 रोटी खाता होगा, और हम भी 2 रोटी खाते है ना। लेकिन ईश्वर को वो लोग पसंद है जिनका मन पवित्र है। आप पर कोई उपकार यार नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे भाई, आप हमारे भाई है, आपका हक है हम पर। ईश्वर किसी को कम ज्यादा खिलाता है, किसी को कम खिलाता है, किसी को ज्यादा खिलाता है, लेकिन ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं रखता। ईश्वर की ग्रेटनेस है। किसानों की दिवाली अंधेरे में, किसानों ने निकाला मोर्चा, खराब फसल को लेकर किसान परेशान, खाते में अनुदान के जमा न होने को लेकर किसानों ने जताया रोष, सोयाबीन कपास फसल खराबी को लेकर किसानों का विदर्भ शेतकरी मोर्चा। करू शकता का? म्हणून आज व्यसन करून दाखल लावून राहिला, आणि मुख्यमंत्र्यांना दाखवून राहिलो की संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भात ही परिस्थिती आहे, आणि आमची दिवाळी रोषणाईने नाही होत आहे, काळी दिवाळी होते। आता हेच भाकर घेऊन आम्ही चांगलं कलेक्टरकडे, सोयाबीन गेलं, कापूस गेला, बोंडअळी आली, कापसाचे केंद्र सुरू केले नाही, बरं अगोदर आचारसंहितेचं कारण सांगितलं, अजून पैसे जे काही जाणार आहे ते शेतकऱ्याच्या खात्यात गेले नाही, आणि जेवढे पैसे आहे तेही लोकांपर्यंत पोहोचत नाही। आणि आज अशी परिस्थिती आहे, वाशिममध्ये फक्त 6,000 हेक्टर लिहिलेलं आहे, अकोल्यामध्ये 1/4 पैसे लिहिलेले नाही, आणि म्हणून या शासनाला आता तरी आमच्या भाकरीकडे पाहावं म्हणून शेतकरी आलेले आहे। हे सावरगाव, मोर्शी सगळीकडून शेतकरी आणि शेतकऱ्याचे पुढे आलेले, महिलाही आलेल्या आहेत, आणि म्हणून धन्यसाहेब उद्धव साहेबांना जाग आली पाहिजे, आपल्या विदर्भावर लक्ष ठेवलं पाहिजे।